मुंबई के भिवंडी में पावर लूम चलाने वाले कारोबारी 16 अगस्त से ही 15 दिनों की हड़ताल पर हैं। बिजली की दरों में बढ़ोतरी से लेकर माल ना बिक पाने की उनकी शिकायत है, लेकिन चुनाव नहीं है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब से ज्यादा पिस रहे यहां लाखों की संख्या में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर। अनुराग द्वारी वहां गए हैं उनका हाल लेने के लिए। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर बसा भिवंडी 1857 के दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बुनकरों की पनाह बना। दो बड़े नेशनल हाईवे 3 और 8 के बीच दो राहे पर बसा भिवंडी, जहां आज संकरे रास्ते हैं, खराब सड़कें हैं, सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। इसी में दिन रात शोर मचाते पावर लूम, जिनका शोर आजादी के 69वें सालगिरह के बाद से बंद है फिलहाल 15 दिनों के लिए। ये महाराष्ट्र का मैनचेस्टर है, यानी मुंबई से सटा भिवंडी, जहां बना हुआ कपड़ा देश और दुनिया के कई इलाकों में यहां से निर्यात किया जाता है। यहां लगभग 12 से 14 लाख मशीनें हैं पावर लूम की, और हर मशीन पर औसतन रोजाना 50 से 60 मीटर कपड़ा बनता है। महीने में यह आंकड़ा 5 से 6 करोड़ मीटर तक पहुंच जाता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी अहमियत रखता है, खास करके तब, क्योंकि खेती के बाद वस्त्र उद्योग ही देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टरों में शुमार है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन जो चीजें यहाँ बन रही हैं उस पर बंदी के आसार हैं। 15 दिनों तक यहाँ का उद्योग बंद है। अलग अलग उनकी शिकायतें हैं, कभी बिजली के बिल की शिकायत, कभी जो यार्न होता है उसके भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है उसकी शिकायत। क्यों आखिर यहाँ जो पावर लूम के मालिक हैं उनको अपने कारखाने बंद करने पड़े हैं, इस बारे में यहाँ कारोबारियों से भी हमने बात की है। और पावर लूम एसोसिएशन के अब्दुल मनान साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं। मनान साहब, क्या वजह है, क्यों यहाँ के जो कारोबारी कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, माल बहुत बन के तैयार है, हम बेच नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे कारखाना चला? ये हालात इतनी हो गए कि आज 8 महीने से भिवंडी में इतनी जबरदस्त मंदी चल रही है कि मैं आपको तारीख बताना चाहता हूं कि 35 साल की तारीख में इतनी बड़ी मंदी कभी नहीं आई थी। और इसकी वजह भी ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कपड़ा हमारा बिक नहीं रहा है। अब भी मैं इसके बाद में आपको नीचे बताऊंगा कि एक एक कारखाने में कितना कपड़ा हम बना के रखे, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, स्टॉक हो चुका है। मोहताज सिर्फ कारोबारी नहीं है, पावर लूम बंद करने का जब ऐलान हुआ तो कमीशन पर कपड़ा बनाने और इन कारखानों में दिन रात पसीना बहाने वाले मजदूरों की रोटी यकायक बंद हो गई। अब हम लोग का तो पेट पर मतलब रोजी मतलब चला गया, अब क्या करेंगे, मतलब कहूँ काम दे क्या करें, अब बंद हो गया, हम लोग खाने का भी घर पर मोहताज हो जाएगा। अब घर वाले से आते हैं कि भाई तैयार रहते 10 तारीख के भाई पगार होगी तो भेजेंगे, बाल बच्चे खाएंगे। पहले का आमदनी कुछ और था, अभी का आमदनी कुछ और है, महंगाई हिसाब से बढ़ गया, हम लोग लूम बढ़ा। लेकिन अब इतने सालों में आपने इन मशीनों पे काम करने का हुनर सीखा है, वहाँ शायद इस तरह का काम ना मिले, तो फिर क्या सोचा है भविष्य में क्या करेंगे? नहीं सर, कुछ तो करने पड़ेगा ना, कहीं बंद रहेगा तो कुछ ना कुछ करने पड़ेगा। लूम चलेगा तो हम लोग का पेट भरेगा, नहीं लूम चलेगा तो भूखे मरने वाली बात रहेगी। क्या आपका पूरा परिवार यहीं पे है? तो क्या सोचा है, अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी हमारे कुछ पावर लूम मालिकों से बातचीत हो रही है, इंतजार करेंगे थोड़ा, मतलब 2-4-10 दिन इंतजार करेंगे, चालू हो गया तो ठीक है, नहीं फिर घर ही जाना पड़ेगा ना। आप कुछ बता रहे थे अच्छे दिनों के बारे में। अच्छे दिन क्या, अभी तो फिलहाल हमारे बुरे दिन है, अभी जब तक ये बंद रहेगा तो हमारे बुरे दिन, और चालू होने के बाद भी एक हफ्ता हमको तकलीफ ही उठाना है। जब ये चालू कंप्लीट होता है, यानी रनिंग जब रेगुलर चालू हो जाएगा, तब जाके हमारे ठीक दिन आएंगे। कुआं खोदने वाला, रोड डेली पानी पीने वाला है। कोई भी सरकार बदले, चाहे 2 साल पहले भी भिवंडी में पावर लूम में यही स्थिति थी मजदूरों की, 2 साल बाद जो नई सरकार आई है अच्छे दिन के नारे के साथ, उस वक्त भी हालात कुछ भी नहीं बदले हैं, वापस से उन पर मंदी का संकट है, लूम बंद है, यहाँ पर लोगों के पास जो दिहाड़ी पे काम करते हैं रोजाना 2 वक्त की रोटी चलाने का पैसा नहीं है। तो एक सवाल तो ये जरूर पूछ रहे हैं कि जो देश के हुक्मरान हैं वो विदेशों में जाकर तस्वीरें और सेल्फी खिंचाने के बजाय अगर यहाँ पर आकर इन लोगों के हालात को देखें, इनके हालात को समझने की कोशिश करें, तो शायद आने वाले कुछ सालों में इनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि हुक्मरान आसमान में ना उड़ें, जमीन पर आएं और हकीकत देखें। काम नहीं है और आराम की जगह जिसमें